नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आप पढ़ते तो हो नहीं, परीक्षा आगे नहीं होगी, और भी लड़के हैं जो नौकरी लगना चाहते हैं, आपके लिए हम बाद में अलग से नौकरी निकाल देंगे, आप तैयारी करते रहो, बाद में नंबर आ जाएगा, पर परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज शिक्षा मंत्री ने क्लियर मना कर दिया कि वो एग्ज़ाम की डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे। इससे काफ़ी छात्र गुस्सा हो गए और उन्होंने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और काफ़ी धरना प्रदर्शन किया। मैं आपको शिक्षा मंत्री का बयान भी इस वीडियो में दिखाऊंगा और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि आगे क्या घटनाक्रम हुआ। और जो कांग्रेस के विधायक है रफीक जी, उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान के बाद वो छात्रों के बीच में पहुंचे और उन्होंने माफ़ी मांगी। आपके कहने से एग्जाम बदल दें, हम आगे बढ़ा दें, आपकी नौकरी की बात कर सकते हैं, दूसरे का हक नहीं मार सकते। क्यों आगे डेट के लिए और नौकरी निकाल देंगे, लेकिन आप 12 महीने से तो हो नहीं दे रहे हो। अब आप कहोगे आप मत कराओ, फिर आरपीएससी नहीं कराएंगे, फिर नए लड़के आएंगे वो कहेंगे मत कराओ, तो फिर एग्जाम कब होगी? धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। और शिक्षा मंत्री ने पिछले साल भी जब छात्रों ने एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ाने की मांग की थी तो शिक्षा मंत्री ने पहले मना कर दिया था। उसके बाद में जब छात्रों ने काफ़ी प्रेशर शिक्षा मंत्री पे डाला, उसके बाद में वो देखिए सर, इस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और सरकार के साथ ही है और हमने पदों के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, बच्चों के मानव अधिकार है, उनको शिक्षा का अधिकार है, वो लोग पढ़े। वो अभी अब एग्जाम हो जाता है, उनसे फॉर्म क्यों भरवाए? उनकी डिग्रियां मई जून पूरी होंगी और जो बाहरी राज्य का जो कोटा है उसको 5% किया जाए, फिर अदर स्टेट में हमारे राजस्थान स्टेट भाइयों को नहीं मिलता है। तो हम सरकार से क्रमबद्ध हमारा निवेदन है कि जो हमारा धरना, हम 10,000 पद किए जाए, 5% कोटा किया जाए और एग्जाम डेट बढ़ा जाए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सभी को प्राप्त है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। इस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, ये एक प्रकार से छात्र विरोधी बयान है। हम शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन चाहते हैं, इस प्रकार से बयान नहीं दे, क्योंकि हम पिछले 4 दिनों से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी सर्द रातों में हमारे साथ में बहुत से लोग बैठे हुए हैं और पूरे राजस्थान से लोग आए हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे भाई, हमें हमारे हर बार एग्जाम डेट बढ़ाए, हमारे रीजनेबल कारण है। पहला रीजनेबल कारण हमारे भाई जो 1.5 लाख फॉर्म क्यों भरवाए मई जून में, बीएड और एमए होती है। दूसरे रीजनेबल कारण 5% कोटा किया जाए। तीसरा रीजनेबल कारण है कि हमारे भाई 10,000 पद किए जाए, क्योंकि आज ही दैनिक भास्कर के अखबार में आई है कि लगभग माध्यमिक शिक्षा में 64,000 पद खाली है, तो सरकार पद क्यों नहीं बढ़ा रही? जब आरटीआई के माध्यम पता पड़ रहा है 64,000 के पद खाली पड़े हैं, तो सरकार से माननीय मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी से, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब से हमारा क्रमबद्ध निवेदन है कि हमारी मांगों के ऊपर जल्दी से क्रियान्वयन करें और हमारे एग्जाम डेट 10,000 पद और 5% कोटा विधानसभा में या सब कमेटी कैबिनेट या कोई अलग से सब कैबिनेट बना के हमारी मांगों को जल्दी मनवाएं। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद छात्रों में काफ़ी गुस्सा देखा गया और उन्होंने शिक्षा मंत्री का पुतला फेंका और साथ में काफ़ी जगह शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो दोस्तों, पिछले साल भी शिक्षा मंत्री ने एक बार मना कर दिया था, छात्रों को मना कर दिया था कि अभी एग्ज़ाम की डेट आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन छात्रों ने जैसे प्रेशर बनाया उसके बाद में उनको सरकार को झुकना पड़ा था और एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ानी पड़ी थी, और ये इस साल भी यही होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।